राजेश जून चुनाव लड़ने की क्या है? वो रे जीतेगा रे, जीता भी गा और भाई उसको टिकट भी देना चाहिए। क्यों? अरे उसने आखिरी थी उड़ाने में नटेंगे ही। अरे यो मूछला ने यह कह दी थी भाई मैं ईब के दे दे, ईब के अगला तेरा नंबर रहा, क्यों ना देगा ईब? ईब का नंबर किसका है फिर? इसका है, राजेश का। हाँ अच्छा, जे ईब के ने भी पिछले साल वाली बन गई, टिकट ना मिली, फिर क्या करोगे? इससे ही देंगे हम तो। किसकी? राजेश जून की। जब भी इससे ही देंगे जी। क्या को ली है 28,000 वोट किसी ने, फर्क रह गया थोड़ा हा, 35,000 वोटा तो बन रहा है। अगला समाज सेवी है, बलराज कुंडू बन रहा, न्यू आईओ बनेगा, टिकट है तो चांस 101%। अरे कुछ 19-20 फर्क रह गया तो हम कित जाएंगे, हम जितावांगे। राजेश जून ने चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ लड़ेगा, लड़ना चाहिए। राजेश जून की वोट देंगे जी। अच्छा। हाँ पिछली बार वादा हुआ था, देवेंद्र नारी से उड्डन बैठा था, सुनी हम तो उसकी गल्ला। इपके मिल जाएगी टिकट? मिल जाएगी, इपके मिल जाएगी। टिकट तो मिलनी चाहिए, ये टिकट तो मिलनी चाहिए। पिछली दफा तो ये राजन जून इसीलिए तो ये बन गया ना, उसका कहाँ नंबर था? राजेश जून का टिकट पर हक है अब का, और पूरा गांव एक तरफा वोट देगा। अरे इसको टिकट मिलेगा, भूपेंद्र हुड्डा देगा, जुबान कर रखी इनने, पिछले प्लान में बिठाया था ये, इसलिए बिठाया था कि भाई अगले प्लान में तेरे को टिकट मिलेगी, और नहीं मिले तो नहीं चले उठाऊंगे कहते, एक तरफा जीतेगा जी। ये मैं कोच होकर नहीं है, तलमन धन तो साथ है, पूरा गाँव जा खुदा भी और जो 36 बिरादरी है सारी साथ है जी। राजेश जून चुनाव लड़ने की क्या है? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाहिए उसने। क्यों? समाज सेवी है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा कुछ वादा करके गया था उससे? हाँ जी। ये कह गया था अगली बार टिकट तेरा होगा, मिलेगा टिकट, 100 का 100 मिलना चाहिए। आप समझते हो मिलना चाहिए? अजी बिल्कुल। ना मिले तो हम उसके साथ हैं, फिर टिकट हमारे हाथ में है। हाँ। हम अपने हाथ और ना बनंदा कते इससे ही वोट देगा, निर्दलीय उठा देंगे। पिछली बार भी हमने मुश्किल बैठाया था, हमारे हाथ में, ये बता दूँ आप। वोट तो हम गिराएंगे, हम इसके सिवा और किसी को नहीं वोट दें, इसको वोट देंगे। ऐसा है कि वो कांग्रेस पार्टी से अब की बार पूरी उम्मीद है हमारे को कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भूपेंद्र सिंह उनको बैठा करके गए थे और वायदा करके गए थे कि अगले आने वाले समय में आपको टिकट मिलेगा, इस बूते के ऊपर बैठे थे, नहीं तो ये फिर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे। तो आपको लगता है भूपेंद्र हुड्डा की जुबान खरी है, टिकट मिलेगा? हाँ हमें तो पूरी उम्मीद है, और इतना बड़ा आदमी मुकरेगा थोड़ा ही, हमें उम्मीद है कि अब की बार टिकट उन्हीं को मिलेगा और हम जिताएंगे। क्या राय है आपकी, टिकट मिलेगा राजेश जून को? बिल्कुल मिलना चाहिए भी, और मिलेगा भी, जो हाईकमान क्या ने कह रखी तो मिलेगा, यही बात है। हक बना है उनका टिकट का? टिकट का हक ने इस क्षेत्र के युवा उसमें बहुत सहयोग, बहुत वो संघर्षशील नेता है, और उसका हक बड़ा है जी। सचिन जून को टिकट मिलेगा, क्योंकि हुड्डा साहब बोल के गए थे कि भाई अगली बार जो राजेश जून को टिकट मिलेगा, तो टिकट मिलना चाहिए, और बिल्कुल पूरा भरोसा है कि टिकट मिलेगा जी। अगर टिकट मिलता है तो क्या रहेगा आपके गांव में? मेरे गांव में पूरा भालड़ हल्के में कांग्रेस जीतेगी। राजेश जून को टिकट मिलता है तो? हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस जीतेगी, एक तरफा जीतेगी कांग्रेस। राजेश जून का ये हक बनता है कि वो चुनाव लड़े? हाँ जी बिल्कुल बनता है हक, क्योंकि पिछली बार उनको बिठाए गए थे हुड्डा साहब, भाई अगली बार आपको टिकट देंगे, और पिछली बार राजेंद्र जून को टिकट दिया था, तो टिकट मिलेगा और जीतेंगे। टिकट नहीं मिलता है राजेश जून को तो? ना जी ऐसा कोई सोच ही नहीं है कि ना मिले, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि टिकट मिलेगा, सचिन जून को टिकट मिलेगा और कांग्रेस जीतेगी। और अगर बाई चांस हम ये कह दें कि टिकट ऊपर से लिया है जो MLA है, फिर क्या रहेगा? फिर चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं चुनाव तो वो तो बाद की बातें हैं ना, अब फिलहाल तो हम इसी ओप पे बैठे हैं कि भाई टिकट मिलेगा सचिन जून को। वो अच्छे आदमी हैं, उनको मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। राम राम भाई। राजेश जून चुनाव लड़ने की क्या है? तैयार है राजेश जून ही के लिए, और बताओ। हाँ टिकट मिलेगी? मिली पड़ी है। क्यों भाई? इन्हें काम कर रहा है इतने दिन तक, टिकट ना मिली तो? मिलेगी उन्हें।
पूरा विश्वास आप? पूरा विश्वास है सीट। हाँ जी पूरा विश्वास मिल लगी भाई। किसने? राजेश जून ने। क्यों भाई? पिछली बार उसने मिली थी। हाँ इवगेन इसके चांस है पूरे। बहादुरगढ़ हलके के वरिष्ठ समाज सेवी व कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून के पुत्र सचिन जून ने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कांग्रेस की मुहिम के तहत जाखोदा गांव में घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया। गांव में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत में गांव के मंदिर पर गांव के बुजुर्गों ने सचिन जून को फूलों की माला पहनाकर व पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन जून ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति हर वर्ग में आक्रोश है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आज आम जन दुखी है। खट्टर सरकार की अदूरदर्शिता जन विरोधी नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन पर है। प्रदेश का हर वर्ग आज भाजपा से नाराज है, दुखी है। पूरे प्रदेश में जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। आम जन सड़कों पर उतरकर अपने मांगे मनवाने के लिए मजबूर है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए हलका बहादुरगढ़ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन जून ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार में झूठ और लूट की होड़ मची हुई है। जाखोदा गांव में डोर टू डोर प्रचार के दौरान मंदिर में पहुंचकर माथा टेका व भगवान का आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों के पैर छूकर सचिन जून ने उनका आशीर्वाद लिया। सचिन जून ने कहा कि भाजपा जजपा की गठबंधन की सरकार युवाओं को रोजगार देने में, प्रदेश में अमन चैन सुख शांति स्थापित करने में पूरी तरह असफल रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सचिन ने कहा कि इस बार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जाखोदा गांव में कैप्टन जगदीश सूबेदार, संजीव रामचंद्र, राकेश सुरेंद्र नंबरदार उर्फ बहादुर, कदम रिंकू बिजेंदर, सोमबीर उर्फ चांद, नीरज प्रशांत, नवीन मोहित मोटा, करमजीत सोनू, बबली नवीन, प्रदीप आनंद सहित गांव वासियों ने सचिन जून का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी खासी उपस्थिति रही। गांव में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाओं ने सचिन जून के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।